अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद राश, मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कंप्रेसर सीरीज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं मुख्तलिफ कैपेसिटी के आपको कंप्रेसर के बारे में बताऊंगा मुकम्मल डिटेल, ताकि आपको ईजी हो जाए कंप्रेसर खरीदने में। तो आज भी आपके साथ एक नए कंप्रेसर मॉडल का रिव्यू शेयर करने लगा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में होता है। तो आज जिस कंप्रेसर का रिव्यू शेयर करने लगा दोस्तों, वो 10 हॉर्स पावर के अंदर है। ये आप देख सकते हैं, एक नया दाना बिल्कुल हमारे पास आया फ्रेश के अंदर है। तो ये पुमा कंपनी का एयर कंप्रेसर है, 10 हॉर्स पावर की इसकी मोटर है, यानी कि 10 हॉर्स पावर का ये कंप्रेसर है। तो पुमा ताइवान की कंपनी है। बेसिकली अगर इस कंपनी की बात की जाए, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये ताइवान की कंपनी है। बहुत ज्यादा इस कंपनी का नाम है, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा पुमा कंप्रेसर के बारे में, क्योंकि जो इस फील्ड में होते हैं उनको तो पता होता है। अगर कोई बिल्कुल न्यू बंदा है जिसे बिल्कुल कंप्रेसर के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि पुमा ताइवान की कंपनी है, नंबर 1 कंपनी जा रही है इस टाइम। बहुत अच्छे कंप्रेसर होते हैं, इनकी लाइफ भी काफी लंबी होती है, बहुत अच्छे चलते हैं, देर तक चलते हैं, मतलब कि जल्दी खराब नहीं होते। उसके अलावा इनका जो स्पेयर पार्ट है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। पहली बात तो जल्दी खराब ही नहीं होते, क्योंकि ये ना जैसे कहते हैं ढीठ नस्ल होती है, ये वो चीज है। तो बहुत देर तक ये आपका ना साथ देती है कंप्रेसर। ताइवान की कंपनी है, चाइना मैनर नहीं है, इसका अपना एक मेयार है। आप नेट पे खोलेंगे, नेट पे आपको मुकम्मल डिटेल इस कंपनी के बारे में मिल जाएगी, आप मजीद मालूम भी ले सकते हैं नेट पे, ठीक है। तो वीडियो में मैं इतना डीपली नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो मैं आपको मेन चीजें इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो ये 3 सिलेंडर के अंदर है, इसके 3 पिस्टम है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। 3 पिस्टम है इसके, ठीक है। 100 पिस्टन का साइज जो है ना वो 100 है, यानी कि 100 मिली का पिस्टन है इसका। 3 पिस्टन है, 3 हेड वाला हाई स्पीड कंप्रेसर है, 10 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। और मजीद इसकी जो है इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे लिखी हुई है जी, पुमा एयर कंप्रेसर, मॉडल नंबर लिखा हुआ PK1003XX, इसका मॉडल नंबर है। पावर इसकी 10 हॉर्स पावर है, उसका प्रेशर जो इसका 8 kg/m³ है, ये तकरीबन 8 बार ही बनता है, क्योंकि ये जो है ना सिंगल स्टेज कंप्रेसर, डबल बराबर के पिस्टन वाला कोई भी कंप्रेसर हो उसका 8 बार ही प्रेशर होता है। तो मैन्युफैक्चर नंबर इसका ये लिखा हुआ है, कैपेसिटी इसकी जो है ना 1550 लीटर/मिनट है। टैंक साइज इसका जो है वो 300 लीटर है, ठीक है। ये जो टैंकी की लंबाई है ना, जिसे साइज हम बोलते हैं, 300 लीटर है इसका टैंकी का साइज। तो उसके बाद इसकी जो डेट है, 2017 का मॉडल है, मेड इन ताइवान, 2017 मॉडल, लेटेस्ट मॉडल ही में ही गिना जाता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक चीज तो वहां पर चल के बाद में आती है, तो इस हिसाब से ये लेटेस्ट मॉडल ही है। तो इसकी कंडीशन भी बिल्कुल ओके है, साफ सुथरा पीस है, साफ सुथरा, बिल्कुल दाना हल्का सा पेंट किया हुआ है इसे, क्योंकि बाज ऐसे होता है कि ये जो बाइट से आता है ना, इसका पेंट शेंट उतरा होता है, तो इस वजह से हल्का फुल्का पेंट कर देते हैं। बाकी जेन्युइन की गारंटी होती है, जेन्युइन से मुराद ये है कि पेंट करने से ये नहीं ये नॉन जेन्युइन हो गया, पेंट जेन्युइन से मुराद ये होता है कि इसके अंदर जो सामान लगा हुआ है ना, यानी कि पिस्टन है इसका, जो सिलेंडर है, या इसके अंदर जो क्रिंक होती है, या कोई भी इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट है इसका, वो चेंज ना किया, उसे रिपेयर ना किया, मोटर जो लगी हुई है इसको दोबारा ना लगाया हो, ये चीज जेन्युइन होनी चाहिए। बाकी पेंट का इतना इशू नहीं होता, बहुत सारे लोग पेंट पे भी इतराज करते हैं कि पेंट क्यों किया, पता नहीं ये रिपेयर किया होगा या कुछ किया होगा, जेन्युइन की गारंटी होगी वो हम आपको देंगे जेन्युइन की गारंटी। बाकी पेंट क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अब एक बंदे ने जब इतने पैसे खर्चने हैं, तो उसने यार को हल्की चीज तो नहीं लेके जानी ना, या उसने वो किस जगह पे लेके भी जाएगा तो उसको पता भी तो चलना चाहिए कोई अच्छी चीज लेके आया, देखने वाला भी बोले, तो इस वजह से पेंट शेंट कर देते हैं, वो इतना इशू नहीं होता, ठीक है। बाकी ये कि जेन्युइन होगा, जेन्युइन की गारंटी होगी। जब एक चीज आप चेक करके लेते हैं आपका, आप जब हमारे पास आएंगे, आप चला के देखेंगे, इसकी आवाज, इसका साउंड, आपको हर चीज आपको बता देगी कि ये वाकई जेन्युइन है, ठीक है। जिन लोगों को बिल्कुल पता होता है कंप्रेसर के बारे में, जांच पड़ताल होती है, जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो उनको तो बिल्कुल ही परवाह ही नहीं होती पेंट किया नहीं किया, वो चीज देखते हैं, चला के चेक करते हैं और ले जाते हैं। जो नया बंदा होता है उसको थोड़ा सा डाउट होता है, बाकी ये कि इंशाल्लाह चीज अच्छी है, चलेगी, आपको पता चल जाएगा। तो कैपेसिटी वगैरह का आपको पता चल गया, 3 सिलेंडर है, हाई स्पीड कंप्रेसर है, 3 पिस्टन ने हवा बनानी है, 3 पिस्टन में टैंकी को देनी है, तो इस वजह से ये हाई स्पीड कंप्रेसर है। ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है सफाई के कामों पे, या कोई मशीन ऑपरेट करवानी हो आपने, उसके अलावा मजीद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना कैपेसिटी के हिसाब से, मैंने आपको बता दिया किसकी ये कैपेसिटी है। अब हर एक फैक्ट्री में ये है कि कंप्रेसर का इस्तेमाल तो होता ही होता है, चाहे वो सफाई के काम के लिए हो, चाहे वो किसी मशीन को ऑपरेट करवाना हो, चाहे जैक ऑपरेट करवाने हो, कुछ भी करना हो। तो ये 10 हॉर्स पावर के अंदर कंप्रेसर है, बिल्कुल जेन्युइन है, टोटल A to Z जेन्युइन चीज है, ठीक है। तो बाकी आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ कंडीशन के अंदर है, ये देखिए इसके बेल्ट तक हर चीज नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये इसके आगे टीशी लगी हुई है,
ये अक्सर चीजें टूटी जाती है, इनको दोबारा लगाया जाता है, जैसे हैंडल वाल लूज है इसे चेंज कर देंगे, इसका इतना इशू नहीं होता। मेन चीज होती है आपकी कंप्रेसर और मोटर और टैंकी होती है, मेन चीज तीन चीजें मेन होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी लाइट आती है तो आपको चला के भी चेक करवा, तो इसके अंदर पहले भी प्रेशर है ऑलरेडी, ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर तकरीबन 50 पाउंड प्रेशर है। तो ये पाइप लगा हुआ था, इसके जरिए हम सफाई वगैरह करते हैं, हमने एक गन लगाई हुई है, ठीक है। तो आगे कंप्रेसर की सफाई वगैरह हम कर सकते हैं इसके जरिए। तो ये है कि आप मुख्तलिफ कामों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी ये कि लाइट आती है, मैं आपको चला के भी चेक करवाता हूँ इसका रिजल्ट, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से इसका जो है ना पता चल जाएगा कि कितनी देर में हवा बनाता है ये। तो फिर आपको इसकी जो प्राइस वगैरह होगी, लेने का तरीकेकार, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। तो लाइट का थोड़ा सा वेट करते हैं, तो जैसे लाइट आती है आपको चला के इसका रिजल्ट भी चेक करवाते हैं। तो दोस्तों लाइट आ गई है, ठीक है, अभी इसकी वायर लगा ली है, आपको चला के इसका रिजल्ट चेक करवाते हैं। ये देखिए 3 फेज से वायर लगा ली है, प्रेशर इसके अंदर है, निकाल देते हैं। इसका साउंड आप चेक कर सकते हैं, साउंड इसका ठीक है, कोई शोर शराबा नहीं आ रहा, बहुत स्मूथ साउंड है इसका। ये हवा बनाने की इसकी रफ्तार देखें, ये हवा बना रही, सुई कैसे उठा के लेके जा रहा है, बहुत ही हाई स्पीड कंप्रेसर है, बिल्कुल साउंड प्रूफ है, बहुत कम साउंड है, इससे पता चलता है चीज जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है, ठीक है। ये आप चेक कर, साउंड से आपको अंदाजा हो गया होगा इसका, ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज है। गेज देखिए कैसे उठा के लेके जा रहा है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ये टैंकी फुल कर देता है। इसके सामने आप इसके रफ्तार भी चेक कर सकते हैं, पोमा ओरिजिनल पोमा ताइवान का कंप्रेसर है, 100 इसका जो है ना 100 मिली पिस्टन साइज है इसका, बराबर के पिस्टन है, बेहतरीन मशीन है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इस मशीन का। बहुत ही हाई स्पीड कंप्रेसर है, पोमा का है, पोमा का वैसे ही नाम बहुत मशहूर है, तो क्वालिटी पोमा की बहुत जबरदस्त होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, पोमा की तो हर चीज है इजीली अवेलेबल हो जाती है, और ये लॉन्ग लाइफ चलने के लिए होता है कंप्रेसर ना, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है, ऑटो इसने भर के बंद हो जाना है, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक है, इसने हवा रिलीज करवा दी है, 110 पे जाके ये बंद हुआ है। अगर आप प्रेशर ज्यादा भी करना चाहते हैं, प्रेशर ज्यादा भी हो जाएगा, 120 पे 30 पे भी चला जाएगा, लेकिन 110 बार पे ये बंद हुआ है, 8 बार इसका प्रेशर होता है मैक्सिमम, यानी कि आप 8 बार पे से, क्योंकि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है ना उसके मुताबिक, यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो जितना मर्जी प्रेशर कर लो, लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये 8 बार का कंप्रेसर है। तो इसका आपको मैं प्रेशर चेक करवाता हूँ, उसकी आवाज सुनिएगा, प्रेशर देखिएगा इसका, इसका प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, हाथ मेरा आगे नहीं रुक रहा इसके आगे, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर होता है, बहुत हाई प्रेशर है। ऑटोमेटिक स्विच लगा, ऑटो चल पे रहा है, इसकी एडजस्टमेंट कम ज्यादा आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कितने पे आपने इसको रख के चलाना है, बिल्कुल स्मूथ हवा है इसकी, कोई शोर शराबा नहीं, जेन्युइन कंडीशन के अंदर है ये। हर चीज जेन्युइन लगी हुई है, मोटर तक जेन्युइन लगी हुई है, हर एक मुकाबला इसका जेन्युइन है, ठीक है, ओरिजिनल पोमा ताइवान का कंप्रेसर है। ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक है, हवा इसने जो है वो रिलीज करवा दी है, मोटर इसकी लगी हुई है ओरिजिनल पोमा की, 3 फेज मोटर है, ठीक है,
उसके ऊपर इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है मोटर की, मेड इन ताइवान, ओरिजिनल ताइवान, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा के सेल करते हैं ना, तो इसके ऊपर स्टिक वगैरह लगी हुई है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इस मशीन का, आपने इसका रिजल्ट चेक कर लिया है। जो भी भाई लेना चाहता है मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहता है, आपने रिजल्ट चेक कर लिया, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शोर आएगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी शहर में या कराची में या किसी भी दूसरे सूबे में है तो आप ये फिर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। डिलीवरी हमारी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, अगर कोई खुद विजिट करना चाहता है दुकान पे, ठीक है। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शोर आएगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं मजीद मालूमात लेने के लिए, ठीक है। इसकी जो कीमत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल पोमा का ताइवान का कंप्रेसर है, ठीक है। बाकी मजीद कुछ आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कंप्रेसर भी अच्छा लगा होगा। इस तरह की मजीद मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और भी वो इंग्लैंड का कंप्रेसर पड़ा हुआ है, जर्मनी का पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।